होने के बाद पहुंचा ब्लड वेसल्स में और हमने डिस्कस किया कि ब्लड वेसल्स में जो रेड कॉर्पसल सेल्स मींस रेड ब्लड सेल्स के पास जो हीमोग्लोबिन है वो एक्टिवली रिएक्ट विद डी O2 एंड O2 को डिफर सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है राइट। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो होता है ब्लड के थ्रू राइट। तो ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट हो O2 हो न्यूट्रिशंस हो राइट हर सभी चीजों को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है राइट। और वो ब्लड क्या है तो ब्लड जो प्लाज्मा नाम के फ्लूइड के अंदर ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। तो हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेनली है राइट। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम बात करें उसमें वर्क करेंगी जो ब्लड वेसल्स है तो मेनली ब्लड वेसल्स है वेन्स एंड आर्टरीज एंड वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू तो क्या होता है तो ब्लड पास आउट होता है। लेकिन ब्लड को पास आउट करने के लिए कुछ पंपिंग चाहिए जिस तरह से हम आप सोचो कि इसी फार्म में हम अगर वाटर इरिगेशन करें तो कैसे करते हैं ऑफकोर्स पाइपलाइन करते हैं पूरे फार्म के अंदर और वाटर सप्लाई करते हैं इरिगेशन करते हैं। इसी तरह से हमारे बॉडी में पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स है बट मोटर जो होती है मोटर पंप जिसके हेल्प से प्रेशर के थ्रू पूरे फार्म में वाटर पहुंचता है उसी तरह से हमारे बॉडी में भी ब्लड को सप्लाई करने के लिए एक पंप लाइक स्ट्रक्चर प्रेशर लाइक स्ट्रक्चर कौन फॉर्म करता है तो वो फॉर्म करता है हार्ट राइट। तो हार्ट जो है वो एक पंप का काम करेगा जिसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होगा राइट। तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम मेनली बात करें तो हार्ट आर्टरीज एंड वेन वर्क करेंगे राइट। तो हम पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स ले लेते हैं तो हार्ट राइट। तो पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट ओके। तो स्टूडेंट हम हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट जो है एक क्लोज फिस्ट जितनी साइज का होता है इन ह्यूमन बीइंग राइट। और लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्टेड आपको देखने को मिलेगा राइट। देन अब हम बात करें तो हार्ट जो है वो कार्डियक टिश्यू से बनी होती है। उसके आउटर लेयर पे पेरिकार्डियल टिश्यू होते हैं। अब हार्ट का हम इंटरनल सेक्शन स्टडी करें तो हार्ट जो है वो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम देन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइडेड है ओके। बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में राइट कैप्सुल वॉल प्रेजेंट है। उसी तरह से लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकैप्सिड वॉल इज प्रेजेंट ओके। और इसके अलावा हम बात करें तो हार्ट में जो ये वेंट्रिकल से सेपरेट करता हुआ यहाँ पे सेप्टम देखने को मिलेगा। और उसके अलावा आप देखो तो हार्ट में होते हैं स्पेशलाइज टाइप ऑफ पर्किंसन फाइबर्स ओके। और इसे हम हीज फाइबर्स भी कहेंगे ओके। तो ये पर्किंसन फाइबर्स जो है वो हार्ट को बीट करने में फंक्शन करते हैं ओके। अब आगे हम बात करें तो आपने जो सारे पार्ट्स है क्लियर है। अब जो है हार्ट में हमने बोला कि उसके हार्ट जो है वो चैम्बर में डिवाइड है राइट। ऐसे पार्ट आपको देखने को मिलते हैं राइट। और आप देखो तो ब्लड जो लाइने का काम करता है वो वेना कावा करता है और पूरे बॉडी में जो सप्लाई करने का काम करता है वो आरो कैन ओके। तो नाउ आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट क्लियर है। पहले तो ये ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर्स में क्या है तो ह्यूमन हार्ट एक क्लोज फिस्ट की तरह होता है। लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्टेड है राइट। और वो फोर चैम्बर में डिवाइडेड है। फोर चैम्बर्स के बीच में वाल्व प्रेजेंट है। वेना कावा ब्लड लेके आती है हार्ट के अंदर और एरोटा ब्लड के बाहर सॉरी हार्ट से बाहर एरोटा जो है पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट सोचो कि हमारे बॉडी में ये जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्स में क्यों डिवाइडेड है तो क्योंकि आप देखते हो तो हम O2 इनहेल करते हैं CO2 एग्जिट करते हैं एक साथ दो डिफर गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स न
ना हो, सो दैट हमारे बॉडी के अंदर ऐसे फोर्स चैम्बर दिखने को मिलते हैं, राइट? तो हम अब ये जो हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से ये O2 MCO2 हार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में देखते हैं, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, तो हम रेस्पिरेशन करेंगे, हमारे नोस्ट्रिल, देन पैरिनेक्स, लैरिनेक्स, देन ट्रैचिया, ब्रोंकियल्स, प्राइमरी ब्रोंकियल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियल्स, देन एल्वोली, एल्वोली के बाद ब्लड वेसल्स और O2 पहुंचेगा, ओके? अब क्या होगा, तो वो O2 जाएगा सेल में जाके यूज अप हो जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे, और प्रोड्यूस क्या होगा, CO2 होगा, राइट? तो अब ये जो वहां पे ब्लड प्रोड्यूस हुआ वो कैसा हुआ, तो विदाउट O2 वाला, तो हमारे पूरे बॉडी में विदाउट O2 वाला जहां पे भी ब्लड होगा वो ब्लड वेन्स जो है वो लेके आएगी और वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में रखेगी, ओके? अब राइट एट्रियम में से ब्लड आगे जाके राइट वेंट्रिकल में पास होगा, अब राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज अ ट्राइकैप्सिड वाल, और ये वाल का फंक्शन क्या होता है, तो ब्लड का फ्लो कभी वापस बैक ना जाए, ओके? एक रिदम में हार्ट काम करे उसके लिए यहाँ पे ये वाल प्रेजेंट है, ओके? अब क्या होगा, तो यहाँ से ये जो ब्लड है ये जो है आगे जाके पल्मोनरी आर्टरीज, स्टूडेंट याद रखना, एक्सेप्शन केस यहाँ पे आर्टरीज कंटेनर कैसा है, तो O2 ब्लड है, ओके? जिसके अंदर O2 प्रेजेंट होता है वही ब्लड आर्टरीज में होता है, बट एक्सेप्शन इज हियर कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसफर विदाउट O2 ब्लड, ओके? तो जिसके अंदर ऐसे ब्लड जिसके अंदर O2 नहीं होता है वैसा ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरीज ट्रांसफर करती है लंग्स के अंदर, सिर्फ जो लंग्स के अंदर ट्रांसफर होता है वही पे एक्सेप्शन केसेस हुए, सो ये पॉइंट ध्यान रखना कि पल्मोनरी आर्टरीज ट्रांसफर ब्लड इज विदाउट O2। नाउ लंग्स के अंदर क्या होगा, तो हमने बोला कि हम रेस्पिरेशन करेंगे, राइट? तो लंग्स के अंदर जो ये ब्लड है वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, देन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन, अगेन हियर वन एक्सेप्शन कि जो वेन्स होती है वेन्स के अंदर विदाउट O2 वाला ब्लड होता है, बट हियर इन पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे ब्लड विद O2 विच इज एंटर इनटू लेफ्ट atrium, then through the pericardial wall it is transferred into left ventricle, and then these O2 blood is transferred to through the aorta moon body, and there the cellular respirations occur, okay? So ab aage jaake aorta ke through, aorta means larger vein, jo bhi लार्जर आर्टरीज है साइज में जो आर्टरीज बड़ी होगी उसे एरोटा कहा जाएगा, आगे जाके जैसे वो जाएगी वो स्मॉलर में कन्वर्ट होती जाएगी, तो आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन क्लियर है? हाँ, कि किस तरह से हार्ट कितने चैम्बर्स में, फोर चैम्बर्स में,